हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है और लिब्रा कैल्क के अंदर आज क्या सीखना है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है नेम ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर इंग्लिश मैथ्स और टोटल। तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक अलग डिफरेंट बैकग्राउंड दे देता हूँ यहाँ पे। तो कोई भी एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे दे देते हैं, तो ये बैकग्राउंड मैंने दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका टोटल किया गया है, ठीक है। अब हमको इस टोटल का फॉर्मूला पता करना है, तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करते हैं तो हमें फॉर्मूला दिखता है, लेकिन जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो ये फॉर्मूला गायब हो जाता है, ठीक है। इस तरह की ये ट्रिक मैंने आपको एक्सेल में भी सिखाई थी। फिर यहाँ F2 प्रेस किया, फॉर्मूला दिखा हमें, लेकिन फिर एंटर प्रेस करेंगे फॉर्मूला गायब। ये फॉर्मूला गायब नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए आप कोई भी ट्रिक देख लीजिए, लेकिन ये जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो ये फॉर्मूला गायब हो जाएगा। तो क्या ऐसी ट्रिक है कि हमें सिर्फ फॉर्मूला डिस्प्ले हो, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो चलिए ये समझते हैं। यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए और लगाइए एक फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला एक है और इसी फॉर्मूले को आप लगा दीजिए। जी हाँ, फॉर्मूला ही है। और ये टोटल को सेलेक्ट कीजिए, बंद कीजिए ब्रैकेट को और एंटर प्रेस कर दीजिए। यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा कि सिर्फ फॉर्मूला ही आपके सामने आया हुआ है विद सेल एड्रेस, देख सकते हैं। ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर आप मैक्सिमम मिनिमम कोई भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो आप ये कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं एवरेज कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं। ए वी ई आर ए जी ई, तो ये हो गया एवरेज। और यहां पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर एवरेज भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहां से आप ड्रैग करवा लीजिए इसको, अगर आप चाहते हैं कि इसका भी हमें फॉर्मूला दिखे, ये एवरेज का भी, तो आपको सेम वही इज इक्वल टू फॉर्मूला टाइप करना है यहाँ पे FORMULA। फॉर्मूला जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद पहले वाले एवरेज को सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, आपको एवरेज का पूरा फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। ये बहुत ईजी है, बहुत आसान है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।